हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द पोएम टॉपसी टर्वी लैंड। नाउ दीज आर द वर्ड मीनिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन इन द चैप्टर वाइल रीडिंग इट। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड? क्योंकि हमने पढ़ा था टॉपसी टर्वी लैंड में जो है सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट, कि चिल्ड्रन जो है वहाँ पे स्कूल कब जाते हैं? नाइट में जाते हैं, रात को जाते हैं, इन टॉपसी टर्वी लैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इन द पोएम, पोएम में जो है, इफ़ द बसेस ट्रेवल ऑन द सी, क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा था तो बसें वहाँ पे कहाँ चलती थी? सी में चलती थी। देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल, तो बोट्स कहाँ चलती थी? तो इसका आंसर है इफ़ द बसेस, ये बसेस ट्रैवल ऑन द सी, देन द बोट्स शुड ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स। इसका मतलब बोट्स जो है फिर स्ट्रीट्स में चलती थी, उल्टा हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट इज हाउ शुड इट राइटली बी, बट सही जगह पे वो कहाँ चलनी चाहिए थी बोट्स? तो दे बोट्स यानी दे शुड राइटली बी ट्रैवल ऑन द सी, कि दे शुड राइटली ट्रैवल ऑन द सी, सी के अंदर उन्हें ट्रैवल करना चाहिए था अदरवाइज। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि द टॉपसी टर्वी लैंड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर लैंड, कि टॉपसी टर्वी लैंड जो है हमारी लैंड से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारी लैंड पे सब कुछ सीधा होता है, हम पैरों से चलते हैं बट वहाँ हेड के सिर बल चलते हैं, तो टॉपसी टर्वी लैंड जो है डिफरेंट है, वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है हमारे यहाँ के अकॉर्ड से। लेट्स ड्रॉ अ कंपेरिजन बाई फीलिंग इट, तो इसमें हमें कंपेयर करना है, तो दिस इज़ टॉपसी टर्वी लैंड एंड आर लैंड। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, तो वहाँ पे हेड्स पे वॉक करते हैं, तो हम अपनी लैंड पे कहाँ करते हैं? पीपल वॉक ऑन देयर फुट, कि वो अपने फीट पे यानी पैरों पे चलते हैं। नाउ इसमें इस साइड दिया हुआ है कि आर लैंड पे द बसेस रन ऑन लैंड, तो बसेस हमारे यहाँ लैंड पे रन करती है, और यहाँ पे किस चीज़ पे रन करती है? द बसेस रन ऑन द सीज, कि सी में रन करती हैं। नाउ टॉपसी टर्वी लैंड में क्या हो रहा है? दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट, क्योंकि हैट उनका जो हैट कहाँ पे पहनते हैं वो? फीट पे पहनते हैं, पैरों पे, क्योंकि पैर उनके ऊपर होते हैं सिर की बजाय। तो हम अपनी लैंड में क्या है? दे वियर हैट्स इन हैड। नाउ बोट्स सेल इन द सी, हमारे यहाँ आर लैंड पे क्या हो रहा है कि बोट्स जो हैं सी में सेल करती हैं, चलती हैं, और वहाँ पे बोट्स सेल इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में चलती है। पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, कि पीपल लोगों को वहाँ पे किस चीज़ के लिए पे करना पड़ता है? दे हैव टू पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। नाउ पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, कि जो आपको मिलता है, जो आप खरीदते हो और जो आपको मिलता है आप उसके लिए पे करते हो, अदरवाइज यू डोंट पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फन विद साउंड्स हैं, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं विच यू हैव मस्ट प्रोनाउंस, कि आपको कैसे प्रोनाउंस करने हैं, यू मस्ट लर्न इट, लाइक प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, वियर, टीयर, स्टेयर, वेयर। तो ये आपकी राइमिंग वर्ड्स भी हैं, स्टेयर, वेयर, वियर, टीयर, प्लेजर, ट्रेजर, मेजर, प्लैंड, कैंड, स्कैंड एंड स्ट्रैंड, टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली एंड करली वर्ली। तो ये आपकी राइमिंग वर्ड्स भी हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड हेयर, तो सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड कर दिए गए हैं यानी आगे पीछे कर दिए गए हैं। नाउ यू हैव टू रीअरेंज दैम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो मीनिंगफुल सेंटेंस आपने बताना है। वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर आर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें आपका जो भी कैपिटल लेटर से दिया हुआ है इसका मतलब आपका वो फर्स्ट वर्ड है। तो रेनू, यहाँ पे रेनू आपका फर्स्ट है क्योंकि कैपिटल दिया हुआ है, तो रेनू इज अ नॉटी गर्ल, रेनू जो है वो एक नॉटी गर्ल है। नाउ अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, तो हर यहाँ पे पहले आएगा क्योंकि एच कैपिटल दिया हुआ है, तो हर रूम यानी उसका रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, कि उसका रूम ऑलवेज मतलब हमेशा अनटाइडी यानी गंदा रहता है। नाउ मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू इट, तो हर मदर, हर मदर मतलब उसकी मदर, एडवाइसेस हर टू क्लीन इट, तो उसकी मदर जो है उसको एडवाइस करती है उसको क्लीन करने के लिए,
तो तीन सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा कि रेनू नॉटी गर्ल है, वो अपना रूम जो है हमेशा गंदा रखती है, बट उसकी मदर जो है उसे एडवाइस करती है टू क्लीन इट. नेवर लिसन्स शी हर मदर टू, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर. तो वो अपनी मम्मी की बात, शी नेवर लिसन्स मतलब वो कभी नहीं सुनती अपनी मम्मी की बात. उसकी मम्मी उसे कमरा साफ करने को कहती है, बट शी नेवर लिसन्स टू इट. काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड अ यू आर, तो इसमें आएगा व्हाट, फर्स्ट वर्ड है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर, कि आप जो है आप किस टाइप के, किस काइंड के, व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू, किस काइंड के जो है आप चाइल्ड हो. तो आप बता सकते हो कि आप इनमें से रेनू की तरह हो या नहीं हो. आप अपना रूम साफ रखते हो, आप अपनी सॉक्स बैग बुक्स वगैरह कहाँ रखते हो, जगह पे रखते हो या ऐसे ही कहीं भी फेंक के रखते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फाइव थिंग्स डेट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक क्लीन, नीट एंड क्लीन, कि पांच चीज़ें आपने ऐसी लिखनी है जिस जो आप करते हो टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन, कि आपका घर जो है नीट एंड क्लीन दिखे. तो यू कैन डू योर सेल्फ, कि आप क्या क्या काम करते हो अपने घर में जिससे आपका घर साफ दिखे. नाउ लेट्स इमेजिन अ टॉपसी टर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द क्लास बिलो. तो आपने वही पोएम को जो है अपने वर्ड्स में लिखना है. नाउ टू स्टोरीज गॉट मिक्सड अप, ये जो स्टोरीज हैं आपकी मिक्स हो गई हैं. सॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस. तो आपके ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 1-4 यहाँ हैं एंड 5-9 यहाँ पे है. तो अब ये दो स्टोरीज के सेंटेंसेस हैं, तो आपने इनको अलग अलग करना है. नाउ हम सबको पहले पढ़ लेते हैं और इसका मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ. वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन, कि लॉयन ने मतलब हमने सोचा लॉयन ने किसी को खा लिया है, यानी एक जो स्टोरी है वो लॉयन से रिलेटेड है. सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स, कि काइट ने उसे उठा लिया ग्राउंड से एंड उसको ट्री टॉप्स पे ले गई. ही सो अ शू इन द लॉयंस केज, तो ये लॉयन से रिलेटेड ही आपकी है, कि एक उसने शू देखा लॉयन के केज में. फाइनली द काइट, अब देखो ये भी काइट है, ये भी काइट वाला है और ये दोनों लॉयन से रिलेटेड वाले हैं. फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क, और काइट उसे फिर से जो है पार्क में ले आई. नाउ आवर क्लास हैड गोन टू द ज़ू, तो ज़ू वाला है ये सेंटेंस, तो इसका मतलब ये लॉयन वाले स्टेप से रिलेटेड होगा. पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, तो पूरन जो है ब्रांड न्यू काइट मतलब बिल्कुल एकदम नई जो काइट थी वो उड़ा रहा था, यानी ये काइट वाला स्टोरी होगा पक्का. सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड, कि कुछ बच्चे जो है वो चिल्लाने लगे. एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द ज़ू, और कुछ जो है ज़ू के डायरेक्टर के पास चले गए. नाउ पूरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, अब पूरन जो था जो काइट यहाँ पे उड़ा रहा था वो डर गया था एंड एक्साइटेड भी था. द लॉयन हैड नॉट ईटन एनीवन, कि लॉयन ने जो है अभी तक किसी को नहीं खाया था. बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लॉयंस टॉयज, कि जो शू था वो लॉयन का एक टॉय ही था. तो अब वही सेम नंबरिंग में यहाँ पे मैंने लिख दी है कि आपकी ये 6-8-4 जो है आपके मैजिक काइट के हैं एंड दी सेंटेंसेस रिलेट्स टू द लॉयन. तो अब आप ये सेम सेंटेंसेस जो हैं यहाँ लिखे हैं नंबरिंग से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, तो आपकी ये दो स्टोरीज कंप्लीट हो जाएंगी, एक मैजिक काइट वाली और दूसरी लॉयन वाली. थैंक यू.